क्या आप भी डे टू डे लाइफ से बोर हो गए हैं? क्या आप अपनी लाइफ में कुछ रोमांच चाहते हैं? क्या आपके खून में रोमांच की प्यास दौड़ती है और आप अपनी बॉडी, माइंड और सोल को तरोताजा करना चाहते हैं? इसका एक ही जरिया है एडवेंचर। तो रुको जनाब, हम लाए हैं आपके लिए भारत के सबसे बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशंस। जो लोग हमेशा कुछ अलग करने की तलाश में रहते हैं, उनके लिए एडवेंचर ट्रिप सबसे अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि भारत में मौजूद समृद्ध एडवेंचर टूरिज्म जो सभी पर जादू करता है। तो क्या आपने अभी तक भारत के इन बेहतरीन एडवेंचर डेस्टिनेशंस की खोज की है? नहीं तो वीडियो पूरा देखो और मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये आपके बॉडी में एड्रेनालाइन रश को चरम तक ले जाएगा। ये सभी डेस्टिनेशन अपने आप में अनूठे और वर्ल्ड फेमस है। तो आज का काउंटडाउन शुरू करते हैं। टॉप 5 मोस्ट थ्रिलिंग एडवेंचर डेस्टिनेशंस इन इंडिया की इस लिस्ट में नंबर 5 पर है गोवा। जी हाँ, गोवा। यह निष्कर्ष निकालना और भी आश्चर्यजनक है कि गोवा शीर्ष साहसिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत में सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। गोवा में किसी भी समुद्र तट पर जाएं और आप कुछ न कुछ साहसिक गतिविधियों को देखकर चकित रह जाएंगे। निस्संदेह भारत में सबसे अधिक पर्यटक अनुकूल स्थलों में से एक के रूप में अपनी अच्छी प्रतिष्ठा के साथ, यहाँ का ग्रेट क्लाइमेट, ग्रेट फूड, सुंदर समुद्र तटों, नाटकीय पर्यटन खेलों और अद्भुत पार्टी स्थानों का प्रदर्शन करते हुए समुद्र तट की राजधानी भी एडवेंचर टूरिज्म के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। आप में भी एडवेंचर का कीड़ा है तो गोवा इज द बेस्ट। बंजी जंपिंग के लिए बिचोलिम और लाटंबारसम सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ के लगभग सभी बीचों पर स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, फ्लाईबोर्डिंग और पैरासेलिंग का मजा ले सकते हैं। रॉक आइलैंड भी स्कूबा डाइविंग के लिए फेमस हैं। कैलंगुट और अर्मबोल क्वेरिम हिल में पैराग्लाइडिंग का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा जेट की बोटिंग में भी कई ऑप्शंस अवेलेबल है, यहाँ बस इनफ पैसे ले जाना मत भूलना। नंबर 4, अंडमान एंड निकोबार। इस द्वीप के मनोरंजक रत्नों के बारे में बात करते हुए, यदि आप वाटर स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं और आप समुद्र के प्रशंसक हैं, तो यह एडवेंचर डेस्टिनेशंस का यह हरा भरा स्वर्ग निश्चित रूप से आपके लिए है। भारत में एडवेंचर टूरिज्म की श्रेष्ठ जगहों में एक प्रतिष्ठित स्थान बनाने के साथ साथ भारत में खुद को फिर से तलाशने के लिए सबसे अच्छे एडवेंचर डेस्टिनेशंस में से एक है। स्कूबा डाइविंग से स्नॉर्केलिंग तक अंडमान और निकोबार द्वीप मस्ती, रोमांच और उत्साह के ट्रक लोड का एक सच्चा ब्लू पैकेज है। यदि आप एक समुद्र प्रेमी हैं और वाटर स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, तो यह जीवंत उष्णकटिबंधीय स्वर्ग एक्वा एडवेंचर्स का केंद्र है। नॉर्थ बे आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर के पास बनाना बोट राइड्स, जेट स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। हैवलॉक आइलैंड के पास 7 से 10 मीटर अंडरसी वॉकिंग, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्केलिंग करने का रोमांच आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। पैरासेलिंग, कयाकिंग, सीकार्ट एडवेंचर जैसे काफी कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स है यहाँ। नंबर 3, एमबी वैली। एमबी वैली महाराष्ट्र में स्थित एक आकर्षक प्लेस है जिसमें अनुभवों और आकर्षणों का एक उल्लेखनीय संग्रह है। चाहे आप गोल्फ मैच हो या जंगल सफारी के लिए इस साहसिक गंतव्य की यात्रा करें, आप जिस भी एडवेंचर की कल्पना करोगे वो आपको यहाँ जरूर मिलेगी। एमबी वैली के टाउनशिप में अपनी एडवेंचर ट्रिप के दौरान विशिष्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स में शामिल हो सकते हैं। पड़ोस में 3 विशाल कृत्रिम झीलों और समृद्ध हरे जंगलों के योग के साथ यह स्थान हाइकिंग से लेकर रैपलिंग तक समय समय पर विविध एडवेंचर एक्टिविटीज को भी होस्ट करता है। आप इस जगह पर तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक आप इसमें पैर नहीं रखते। एमबी वैली में प्रसिद्ध साहसिक खेलों में रॉक क्लाइंबिंग एक मेन अट्रैक्शन है। इसके अलावा स्काईडाइविंग भी बेस्ट ऑप्शन है और यहाँ आप एटीवी बाइकिंग के साथ साथ जिपलाइनिंग के भी मजे ले सकते हैं। नंबर 2, मनाली हिमाचल प्रदेश। भारत में सबसे अच्छी साहसिक जगह की छंटाई करते हुए निस्संदेह काफी अच्छी संख्या में स्थानों पर स्ट्राइक होने की संभावना है।
फिर भी मनाली में एडवेंचर स्पोर्ट्स के बड़े संग्रह से वास्तव में कुछ भी मेल नहीं खाता है। पहाड़ों की रानी मनाली यह रोमांटिक आवास और एक हिल स्टेशन है जो यात्रियों को विभिन्न प्रकार के भव्य एडवेंचर टूरिज्म का प्रस्ताव देता है। यहाँ तक कि अगर आप भारत में एडवेंचर टूरिज्म को विस्तार से देखते हैं तो आप इस हिल स्टेशन में कई मजेदार गतिविधियाँ देखेंगे। चाहे आप लैंड बेस्ड स्पोर्ट्स हो या एयर बेस्ड एक्टिविटीज के लिए तैयार हो, इस बर्फीले स्वर्ग में आपके लिए सब कुछ शामिल है। मनाली में बर्फ से खेलते हुए आप भी बच्चे बन जाने का अनुभव महसूस करते हैं। इसके अलावा मनाली में प्रसिद्ध एडवेंचर स्पोर्ट्स में पैराग्लाइडिंग करते हुए दिल यंग हो जाता है। आसमान में हॉट एयर बलून राइड हो या नदी की उफनती हुई लहरों पर रिवर राफ्टिंग हो, रोमांच तो भरपूर मिलेगा। यहाँ बर्फ पर स्कीइंग भी बेस्ट ऑप्शन है और रोपवे से आप वादी का सौंदर्य भी निहार सकते हो। इस लिस्ट में नंबर वन का एडवेंचर डेस्टिनेशन है ऋषिकेश, उत्तराखंड। ऋषिकेश को अक्सर भारत की एडवेंचर कैपिटल के रूप में माना जाता है। ऋषिकेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज वास्तव में एड्रेनालाइन के रश को रगों में पंप करती हैं, चाहे आप कितने भी बूढ़े या युवा ही क्यों न हो। नदी के किनारे बसे इस छोटे से शहर में सभी आयु समूहों के लिए विशेष रूप से सब कुछ है। यह भारत में सबसे प्रसिद्ध एडवेंचर डेस्टिनेशन में से एक है और यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक श्रृंखला है जो आपको नेक्स्ट लेवल तक आश्चर्यचकित कर देगी। जब भारत में एडवेंचर टूरिज्म की खोज करने की बात आती है तो ऋषिकेश भारत में शीर्ष स्थानों में शुमार होता है। इस प्रकार यदि आप आगे एक रोमांचक ट्रिप की योजना बना रहे हैं तो ऋषिकेश को भारत में टॉप एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में मार्क जरूर करें। ऋषिकेश पर्यटकों में बंजी जंपिंग के लिए मशहूर है और ऋषिकेश की यह जगह लगभग 83 मीटर ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा बंजी जंपिंग प्लेटफार्म है। यहाँ पर पर्यटक बंजी जंपिंग के अलावा कई प्रकार के रोमांचक एडवेंचर का आनंद ले सकते हैं, जिसमें फ्लाइंग फॉक्स और जायंट स्विंग के भी विकल्प है। यहाँ पर राफ्टिंग 16 किलोमीटर, 22 किलोमीटर और 32 किलोमीटर की होती है। कौड़ियाला ज्यादातर पर्यटकों की पसंदीदा जगह है क्योंकि यहाँ पर पर्यटक आकर रिवर राफ्टिंग, बोटिंग और पैराग्लाइडिंग का आनंद उठाते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश में रिवर्स बंजी जंपिंग, जायंट स्विंग, जिप लाइनिंग, फ्लाइंग फॉक्स, स्काई साइकिलिंग का भी लुफ्त उठाया जा सकता है। भाई लोगों, ये रहे वो टॉप 5 एडवेंचर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशंस जहां के मजे लेने देश और दुनिया से लोग आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप किस डेस्टिनेशन पर जाने का प्लान कर रहे हो कमेंट में जरूर लिखना। क्या आप पहले इन जगहों पर गए हैं? आपको इनमें सबसे बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशंस कौन सा लगा ये भी कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक तो बनता है भाई, और कर दो अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर, क्या पता वो भी आपके साथ ट्रिप पर आने का प्लान करे। और लास्ट में सिर्फ एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब, हाँ हाँ, हमारा डायनामिक वर्ल्ड हिंदी चैनल सब्सक्राइब करने को बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी करो। कर दिया, ओके, अब जा सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।